वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी स्पीड रेंज के बारे में। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि 100 से लेकर 150 सीसी, यानी 100 से लेकर 150 सीसी तक का बाइक में आपने देखा होगा कि एक इकोनॉमी रेंज रहता है मीटर पे, उसमें ग्रीन कलर का मार्किंग रहता है, ठीक है। और ये जनरली जो है 30 से लेकर 50 या फिर 40 से लेकर 60 तक का स्पीड में रहता है। तो ये क्या है और ये जो स्पीड रेंज दिया हुआ रहता है इसका क्या फ़ायदा है, ये हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। इससे मुझे नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये इकोनॉमी रेंज जो दिया हुआ रहता है मीटर में, ये सीधा जो है ताल्लुक रखता है आपके गाड़ी का माइलेज के साथ। माइलेज यानी आपका गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर तय कर रहा है, उसको माइलेज हम लोग बोल रहे हैं। कंपनी क्या करती है, जो ये जो ग्रीन कलर का मार्किंग देता है, इससे ये समझने का कोशिश करता है कि आपके गाड़ी का जो इंजन कैपेसिटी है, सीसी है, उसके हिसाब से कितना स्पीड में आपको चलना चाहिए ताकि आपको एक बेहतर माइलेज मिले, इसी को दर्शाता है ये मार्किंग। इसीलिए कंपनी ये जो मार्किंग है आपके गाड़ी में देती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से गाड़ी को चलाते हैं, कभी कभी जो है कुछ लोग टॉप गियर पे, अगर शहर हो या फिर गांव हो, बिजी वाला रास्ता हो, तो उसमें भी टॉप गियर में हमेशा गाड़ी को चलाते हैं। और कोई कोई जो राइडर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी जगह मिल जाए वहाँ पे एक्सीलेटर को पूरा घुमा देते हैं और गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है और फिर से अचानक से ब्रेक मार देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हाई स्पीड में चलाते हैं और फिर अचानक से ब्रेक मारते हैं। इस तरह से चलाने से क्या होता है, गाड़ी का माइलेज में भी फर्क पड़ता है और इसी बीच गियर में भी शिफ्टिंग करते रहते हैं, अप शिफ्ट करते रहते, डाउन शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइलेज में ड्रॉप मिलता है और जो उन लोगों को सही माइलेज नहीं मिल पाता है। तो 100 से लेकर 150 सीसी तक का बाइक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप ये जो इकोनॉमी रेंज है इसमें अगर आप चलाओगे तो गाड़ी का जो मूविंग पार्ट्स है उसमें लोड भी कम पड़ता है, इंजन में लोड कम पड़ता है, आपको माइलेज भी बेहतर मिलता है और जो है एक वो जो इंजन रहता है वो एक ऑप्टिमम कंडीशन पे जो है बेहतर तरीके से चल पाता है। तो अगर हाईवे की बात करें तो आप टॉप गियर पे ज़रूरी नहीं है कि आप 30 का ही स्पीड मेंटेन करो, आप जो है 50 से लेकर 60 तक का स्पीड में भी मेंटेन कर सकते हो, उसमें भी आपको एक अच्छा माइलेज मिल जाएगा। अगर ज़्यादा सीसी का बाइक है आपके पास, यानी 200 सीसी, 400 सीसी का बाइक है, तो उसमें भी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर चलाने की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 40 से लेकर 50 तक का स्पीड में ही आपको चलाना चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर माइलेज मिलेगा। और अगर हाईवे की बात करें, अगर हाईवे पे आप चला रहे हो ज़्यादा सीसी का बाइक, तो वहाँ पे भी आप जो है 70 से लेकर 80 का स्पीड मेंटेन कर सकते हो, उसमें आपको क्या है कि बेहतर माइलेज मिल जाएगा। भीड़ भाड़ वाले इलाका रहता है उसमें ये कंडीशन नहीं हो पाता है, हमेशा टॉप गियर में हम लोग गाड़ी को नहीं चला पाते हमेशा। तो इसीलिए जो है इकोनॉमी रेंज दिया हुआ रहता है ताकि आप इस स्पीड में अगर आप चलाओगे तो आपको एक बेहतर माइलेज मिल पाएगा। तो ये जो इकोनॉमी रेंज है ये पहले के बाइक्स में भी आता था, अभी के बाइक्स में भी आ रहा है। तो आशा करता हूँ मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। और आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।